That is the mother of late Puneet Datta, Anita Datta, who is being escorted, and she'll receive the Ashoka Chakra on behalf of a gallant son who laid his life fighting the terrorist element in Jammu and Kashmir. This young officer carried out the supreme sacrifice. Iron Ashoka Chakra is the highest peacetime gallantry award which Second Lieutenant Puneet Datta's mother will be receiving. मकान में आतंकवादियों ने मोर्चा बंदी कर रखी है। दिनांक 20 जुलाई 1997 को सेकंड लेफ्टिनेंट दत्त ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ उस घर को घेर लिया। अपने आप को घिरा हुआ पाकर आतंकवादियों ने सैन्य दल पर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी, जिसके कारण सैन्य दल का आगे बढ़ना असंभव हो गया। उस समय इस वीर अधिकारी ने गोलियों की बौछार के बीच अपने प्राणों की किंचित मात्र परवाह न करते हुए बारूद से दीवार के एक भाग को उड़ाकर मकान में घुसने का रास्ता बनाया। तभी एक आतंकवादी ने उस स्थान से गोलीबारी आरंभ कर दी। सेकंड लेफ्टिनेंट दत्त ने आड़ से बाहर आकर उस आतंकवादी का काम तमाम कर दिया। ये भागते हुए कि घर में घुसे आतंकवादी भागने का प्रयास कर रहे हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट दत्त ने सामरिक सूझबूझ तथा दृढ़ता का परिचय देते हुए भागने के मार्ग को चट्टान की तरह रोक दिया। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी आरंभ हुई, जिसमें इस वीर अधिकारी ने एक और आतंकवादी को मार गिराया। एक अन्य आतंकवादी ने उसके ऊपर खिड़की से स्वचालित अस्त्र से गोलीबारी की, जिससे अधिकारी सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दंत लहूलुहान हो गए और गंभीर रूप से घायल हुए। फिर भी इस वीर अधिकारी ने निशाना साधकर एक ग्रेनेड उस पर फेंका, जिसके फटने से न केवल वो आतंकवादी मारा गया बल्कि उस मकान में रखा गोला बारूद भी नष्ट हो गया। परंतु दुर्भाग्यवश इस घटना में देश ने अपने इस वीर सपूत को खो दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त ने नेतृत्व, निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ अदम्य साहस, देशभक्ति एवं उत्कृष्ट शौर्य का परिचय दिया। स्वर्गीय सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त की माताजी श्रीमती अनीता दत्त। And this is the President of India, Shri K.R. Narayanan, presenting Lieutenant Puneet Datta ko maana mara the medal to the mother Ashok of Chakra. Lieutenant Puneet Datta, pradan kiya gaya. That is the proud mother Anita, walking now to take her place. She's indeed